टोल एक है, आरपी स्क्वाड ऊपर से ग्लाइड करके चला जाएगा, और जुरेन का स्क्वाड उतरते हुए, इन से एक स्क्वाड यहाँ पर उतरते हैं, वो लोग भी यहाँ पर उतर चुके हैं, आरपी स्क्वाड से यहाँ पर ही उतरते हैं फॉर द पिकार्डो, वो लोग पिकार्डो पे हाउ ड्रॉप कर रहे हैं, और सेंस का स्क्वाड है, करण एंड रियाद ऑलरेडी उतर चुके हैं फॉर द एरिना, और सेंस से लोडिंग एंड इवान है, विशेष विशेष डिस्ट्रीट करते हुए, कौन से वाइपर टर्नामेंट होल्ड कर बैठा है, कैसीनो पे गया अर्थ पीस एंड रिगल्टॉस यहाँ पर थोड़ा खराब हो चुका था, एंड फर्स्ट ब्लड हम लोग को देखने को मिला फ्रॉम टेंसे, एंड टेंसे ने यहाँ पर पहला किल निकाल चुका है सोल की तरफ, सोल का रिगल्टॉस को वाइपर के ऊपर क्लीच में अभी देख पा रहा हूँ फिनेटिक स्काउट का वो जो नाम का जो लोग है वो यहाँ पर स्क्रीन पे आ रहा है, एंड वो चेंज नहीं हो रहा, चलो चेक करके आते हैं यहाँ पर भी फाइट देखने को मिला था, पोजीशन क्या है एमजी का, ब्लेजियन प्लांटिंग बहुत ही ज्यादा डैमेज खा चुका है यहाँ पर, ब्लेजी ड्यूड यहाँ पर रोटेशन देते हुए प्लांटिंग ऊपर लाइक 30% 40% एचपी के साथ ब्लेजी उससे भी कम, एंड यहाँ पर एक बंदा दैट इज सूर्या आई थिंक मैच कैच खेल रहा है, सूर्या नहीं खेल रहा है, एंड ड्यूड पार्टिकल सेवन अकेले बंदा यहाँ पर That is, I think, Twister. Yes, Twister यहाँ पर पूरा slang मार चुका अपने टीम के लिए. Iron भाई, thanks for the 20, bro. And ये glitch क्यों नहीं जा रहा है? तो scout को ऊपर देख के आते हैं, शायद अगर चले जाए. नहीं जा रहा है. ठीक है, पूरे match तक रहेगा. नहीं गया. चलो भाई, glitch को सुधार लिया. Scout को ऊपर गया तो scout भाई, दो-दो scout कैसे आएगा? तो एक scout ही रह गया. दूसरा glitch वाला scout चला गया वहाँ पर. चलते पिकाडो पे, क्योंकि पिकाडो पे यहाँ पर चलेगा टीपीवी फाइट, एंड जैसे चलते हैं हमारे पोचिंग की पे, वही यहाँ पर पिकाडो पे टीपीवी फाइट बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, टीपीवी मैच है तो टीपीवी लेकिन भाई के पास इधर वेस्ट नहीं है, हेलमेट है लेवल 1 का, पीछे एक बंदा ऑलरेडी है फ्रॉम 10 से दैट इज अर्थ पीस, तो अरीने की तरफ सॉरी कैसीनो की तरफ बोलोग रोटेशन नहीं दे सकता, अर्थ पीस वहां पर होल्ड करके रहेगा अपना पोजिशन, पीछे की तरफ यहाँ पर हम लोग देख पा रहे एंड रियाद है, एंड पीछे और ज्यादा पीछे बादशाह एंड माफिया लूट करते हैं, विशेष लोडिंग एंड इवान इस पोजीशन में सभी खेल रहे हैं, ये लोग 3v4, इवान के पास इधर एक है एंड एक एचपीएल इस तरह समझ में नहीं आ रहा है, फिर वीसीएस के पास है स्कारेल एंड एक विन 94 जितना देखने को लग रहा है, भाई रियाद का दिया वो खुद को, उसके कारण विशेष वहां पर हटना पड़ा एंड रियाद वहां पर नॉक नहीं हुआ, अगर रियाद वहां पर नॉक होता तो नॉक एंड फिनिश यहां पर देखने को मिल सकता था रियाद का, रियाद वहां पर बच चुका है, पीछे से चलेंगे तो टेंसे का ये स्क्वाड हमेशा का जब पीसी गाटो पे आता है कि ये 5 स्टोरीज होल्ड करता है, एंड यहां पर सोल का स्क्वाड के लिए थोड़ा मुश्किल है, वाइपर यहां पर स्मोक वॉल बनाने के बाद रोटेशन देना चाह रहा है, देखते हैं क्या इसका रोटेशन सक्सेसफुल होता है, उसके ऊपर आ रहा है ईएमपी का स्प्रे, लेकिन वाइपर को यहां पर पता नहीं अंदर ऑलरेडी एक बंदा कैंप करके बैठा है, दैट इज अर्थ पीस, अर्थ पीस यहां पर थोड़ा लेट रिफ्लेक्शन देते हुए अब अर्थ पीस यहाँ पर फाइबर हो चुका है, अमन को जिसके पास एक ही था वो यहाँ पर नॉक हो चुका है, फाइबर के पास है शॉर्ट गन, उसको यहाँ पर बचना बहुत ज्यादा मुश्किल है, एंड मॉडल यहाँ पर 1v1 लेते हुए बादशाह के साथ, एंड मॉडल को यहाँ पर मॉली भी लग चुका है, मॉडल यहाँ पर नॉक है, फाइबर यहाँ पर बचे अपने टीम से आखिरी बंदा, एंड ये इसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्या एक पॉम्प एक्शन का शॉट सामने अर्थ पीस के ऊपर लग पाएगा, एक नेट किया गया नॉट कुक नेट तो अर्थ पीस को ऊपर रोटेट करना पड़ेगा, मॉडल वहां पर डाउन हो चुका है, एंड अगर आप लोग यहाँ से देखोगे तो अर्थ पीस ऊपर होल्ड करते बैठा है, अर्थ पीस को होल्ड करना ही पड़ेगा, उधर एमजी जैसे पान सिंह ने पार्टिकल 7 से आईमाजी को नॉक एंड फिनिश करते हुए एसटीएल से फिनिश किया, आई थिंक एके से नॉक किया था, एंड अर्थ पीस इधर अपना पोजीशन होल्ड करके एक से तो नहीं लगा सोल के स्क्वाड के ऊपर वाइप आउट कर चुका है, तो पहला स्क्वाड यहां पर वाइप आउट हुआ दैट इज सोल।